बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 8, यूनिट नंबर 2, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और हम काफ़ी लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं लीव्स के अंदर। तो ये वही बता रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। लीव्स के अंदर अपना फूड फूड प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस में जो एलिमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं वो ये हैं। जो प्रोसेस के अंदर जो यूज़ होते हैं चीज़ें फूड बनाने के लिए वो क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्लांट्स एयर से हासिल करते हैं, सनलाइट जो सन से मिलेगी उनको, और वाटर जो है वो सॉइल से रूट्स के ज़रिए वो हासिल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो जो है वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, उनका फूड तैयार होता है जिसको हम शुगर भी कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर बनती हैं। उसके अलावा हम डायग्राम के अंदर हम देखेंगे तो ये आपको रूट्स नज़र आ रही हैं और इसमें आपको रेड कलर की सैंड सॉइल नज़र आएंगी और जो वाटर है आपको ब्लू कलर का ये आपको शो किया गया है। अब यहाँ पे देखें, ये आपको प्लांट्स का लीव्स नज़र आ रहा है और ये आपको स्टेम नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको सन दिखाया गया है। ये सन है, सनलाइट जब लीव्स के ऊपर, चूँकि हमने कहा कि लीव्स के अंदर एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो ग्रीन कलर का कलर देता है लीव्स को, उसके अंदर क्या होगा? जब सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है? हमने पढ़ा था एयर से लेता है, और जो वाटर है वो कहाँ से ले रहा है? सॉइल से लेगा, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पर कौन सा फूड? यहाँ पर प्लांट का ग्लूकोज फूड जो है वो लीव्स के अंदर तैयार होता है, जो बाकी जगह पर जाके कन्वर्ट हो जाता है इसके स्टेम में और इसके लीव्स में, जहाँ जहाँ पे भी इसको फूड की ज़रूरत होती है उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है। तो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जो कि किसकी मौजूदगी में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में। जब ये तीनों फैक्टर्स आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर प्लांट्स के लिए फूड तैयार करते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्लांट किस तरह से अपने लीव्स के अंदर फूड को तैयार करता है। क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, ह्यूमंस तो मूव कर सकते हैं, तो ह्यूमन अपना फूड खुद तैयार नहीं करते, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से फूड हासिल करते हैं। जैसे कि ह्यूमन जो है वो मीट खाते हैं, उसके अलावा फ्रूट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, वो अपना फूड हासिल करने के लिए मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, तो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।